हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी लोगों का दिन अच्छा जा रहा होगा। गुड मॉर्निंग शैडो। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग वर्कआउट करने के लिए जाएंगे, उससे पहले मुझे हेयर कट कराना है क्योंकि मैंने एक महीने से बिल्कुल भी ट्रिमिंग नहीं करवाई है, बिल्कुल ग्रूम नहीं हुआ हूँ मैं। तो पहले मैं हेयर कट करवाने जा रहा हूँ, देन वापस आके हम जिम के लिए रेडी होंगे। बॉल से खेलना अपनी जा। तेरा भी हेयरकट होना है क्या? तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बाहर, एंड आज मेरा डेडलिफ्ट सेशन होने वाला है। पूरा बैक रहेगा, बैक एंड बाइसेप्स, बट बहुत टाइम बाद मैं हैवी डेडलिफ्ट करने वाला हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ये हेयर कट बताना कैसा लग रहा है? तो खैर, हर बार मैं यही हेयर कट करवा लेता हूँ, थोड़े से ट्रिम करवा लेता हूँ, साइड से तो ज़्यादा ग्रूम लगता हूँ। उस टाइम बाद ये हेयर कट चेंज हो जाएगा। तो पहले रेडी होते हैं वर्कआउट के लिए, एंड अपना प्री रेडी करता हूँ, अपना प्रोटीन शेक लेता हूँ, बैग रेडी करता हूँ। एंड आज रिक्की वर्कआउट करने नहीं जा रहा था। तू कहाँ? घर पर ट्रेन करेगा? घर पर ट्रेन करूँगा। क्यों? दोस्त के जा रहा हूँ मैं। ये कुछ व्लॉग के शॉर्ट्स लेने के लिए। क्या हुआ शैडो? ये अपने दोस्त हैं, कुछ व्लॉग के शॉर्ट्स लेने के लिए जा रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे भी नहीं बता रहा है। मौसम के मजे ले रहे हैं वो बाहर। चलो तुम कह रहे हो बाहर नहीं निकले, तो अंदर आया था। ओ लाइट गई, शिट, मुझे पूरा नीचे जाना पड़ेगा। चल चल के, चलो जा रहा हूँ। बाय मम्मी। अभी मैंने लिफ्ट में आ ही गया था, बट मैं अंदर कार की की भूल गया। तब तक की लेने के लिए गया, तब तक लिफ्ट बंद हो गई। पैर ना फिसल जाए, पता आराम से गिर पड़ो। पता है, कई लोगों को रिलेटेबल लगेगा शायद, कि मेरे साथ में तो ऐसा होता है कि कई बार आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन फील करते हो। आपको लगता है कि हाँ, मुझे ये अपने प्लान्स इस तरीके से करना है, जो भी आपने अपने लाइफ में प्लान किया होता है, सपनों को इस तरीके से पूरा करना और ये सब चीज़ें। जब प्रॉपर मोटिवेटेड फील कर रहे होते हो ना आप, तो उस टाइम पर लिख लिया करो। जिससे होगा क्या कि जब आप डिसिप्लिन नहीं रह पा रहे हो ना, जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लापरवाह हो रहे हो, तब आप वो लिखा हुआ पढ़कर अच्छा फील करेंगे काफ़ी। बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा है। कब से वेट कर रहा हूँ यार बाहर में। बहुत ही ज्यादा भाई, मैं इतना लीचड़ आदमी हूँ, मैं क्या बताऊँ। भीग गए यार अब तो जरा से। मैं बहुत भीगे हुए आदमी हूँ। मैंने लास्ट व्लॉग में एक बात बताई थी, है ना, तो कि जब बारिश का टाइम आता था ना, जब भी, तो मेरा मूड अजीब सा हो जाता था कि जिम कैसे जाऊंगा यार, बारिश आएगी। आप कई बार लेने आते थे मेरे को, याद है? हाँ। उल्टा उल्टा चक्कर लगा के आना पड़ता था। हाँ। एंड अभी जब बारिश होती है, तो मैं बता रहा था लोगों को कितना ब्लेस्ड फील करता हूँ मैं, कि अभी जिम जाने में मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार बारिश हो रही है, भीग जाऊंगा, अपनी गाड़ी है। तो जो मतलब पहले सपने देखे भी हुए थे ना, सच हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कब, है ना। क्योंकि ब्लेस्ड लाइफ, क्योंकि जीवन में मैं आया, समझे साहब, मैं आया, मैंने इसे बताया कि बारिश में भी जिम जाते हैं, है ना, ऐसा। सही बात है, फिर? सही बात है भाई, सही बात है। देखा, ये बारिश में तो वैसे भाई तारीफ करवानी पड़ती ब्रो। तो आप कुछ कह रहे थे? मैंने कह दिया
हाय अल्लाह। मैंने कह दिया। कह दिया? जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, सरेआम कह दिया। खुले बाजार में कह दिया। भरे बाजार में? भरे बाजार में कह दिया। खुले बाजार में? बाजार में लॉकडाउन लग चुका है। खुले बाजार? खुले बाजार। चलें चलें बदतमीज चलें। अच्छा भैया दादा हॉलीवुड की हिंदी डबे में क्या हमें चलना चाहिए? हाँ हमें इस बारे में सोचना चाहिए। क्या हम चल सकते हैं? मुझे लगता है ये सही समय है चलने का। मैं आपसे दोबारा नहीं बोलूंगा। शाबाश। और साउथ इंडियन वाली डब? ए मैंने कहा चल तो चल। संभल के चले। अरे भगवान दद्दा। अरे आने तो अरे।
बाय, सी यू टुमारो। मैं 4:30 बजे जिम के लिए निकला था घर से एंड अभी 9:30 बज रहे हैं, मतलब 4:30 से 5 बजे पहुंच गया हूँ और 9 बजे निकलाऊंगा, तो 5 से 9 फिर भी 4 घंटे मैंने जिम में निकाले। भीड़ वगैरह के चक्कर में थोड़ा सा वेट करना पड़ जाता है, बट 4 घंटे जिम में रहा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम था ये तो। एक्चुअली वर्कआउट मैंने शायद 2-2.5 घंटे ही किया होगा, फालतू का 1.5 घंटा वेस्ट हुआ मेरे जिम में वेट करने के चक्कर में। मैं अपने आप को जिम रेट कहूँ या क्या कहूँ मुझे नहीं पता। मेरे दिन भर में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो पार्ट होता है वो वर्कआउट करना होता है। रात को जब मैं सो रहा होता हूँ तो मुझे पता होता है कल सुबह उठूँगा, मील वील लूँगा अपनी और शाम को जिम होगा। जब जिम से पहले भी मैं एक्साइटेड रहता हूँ कि हाँ जिम जाने वाला हूँ, जिम में तो एक्साइटेड रहता ही वर्कआउट करने के लिए। जिम से आने के बाद आई एम लाइक यार हो गया वर्कआउट ख़त्म, नाउ अगेन कल का वेट करना है वर्कआउट करने के लिए। एंड ऑनेस्टली आई लव दिस, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि केवल वर्कआउट ही करता रहता है, जिम में ही रहता है, मज़ा आता है, बट ऑनेस्टली आई लव दिस और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड आई नो कि मेरी तरह भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें मज़ा आता होगा। हाँ, वर्कआउट के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो केवल वर्कआउट है। चलते हैं, कितना बढ़िया गार्ड साहब। बस नए चादरों गंदा कर दिया करें। कैसा रहा शूट वहाँ पर? बढ़िया रहा। जल्दी मेरे चैनल पर वीडियो मिलेगा आपको देखने को, रिक्की आनंद। ऐसे आलस में लेटा रहेगा तो बहुत जल्दी तो नहीं मिलेगा ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, इस वीक में ही मिल जाएगा। अच्छा, देखते हैं भैया अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं कि नहीं। मैं तो महीनों से बोल रहा हूँ। मिल जाए इस वीक में, एडिट करके। और शेडो का चैनल है, शेडो फिर को मैं क्यों? क्या सोच रहे बेटा? तो आज हमारे पास डिनर में चिकन करी, बॉयल चिकन नहीं है आज, मम्मी ने पूरा सब्जी बना दिया, साथ में राइस और रोटी आ रही है अभी। तो ये होगा हमारा आज रात का डिनर यहाँ से। वैसे डिनर रात के टाइम पर ही होता है, सॉरी। आज के इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज व्लॉग। व्लॉग पसंद आए लाइक ज़रूर करना, और जैसे इन्होंने हॉर्न मारा वैसे ही आप घंटा बजा देना। बहुत बहुत बेकार झुकता नहीं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, पीस।